नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ। जी हां, बिल्कुल, पटना में राबड़ी आवास पर सीबीआई पहुंचती है, पूछताछ करती है और उसके बाद देर शाम लौट जाती है। उसी तरह ठीक लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से अपना किडनी ट्रांसप्लांट करके मीसा भारती के आवास पर है, यानी दिल्ली स्थित अपनी बेटी के आवास पर है। तो आज सुबह सुबह सीबीआई ने पूछताछ के लिए लालू के पास पहुंची है, यानी मीसा भारती के आवास पर पहुंची है और लालू यादव से पूछताछ हो रही है। तो छोटी बेटी रोहिणी आचार्य बर्दाश्त कैसे कर सकती है? जब जब सीबीआई से पूछताछ होती है तो रोहिणी आचार्य ट्वीट कर भाजपाइयों की बोलती बंद कर देती है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ ट्वीट किया? पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है, यह सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उनमें बड़ी ताकत होती है, यह याद रखना होगा। पापा को यह लोग तंग कर रहे हैं, अगर उन्हें तंग करने के कारण उन्हें जरा सा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। तो आपने देखा कि मीसा भारती के आवास पर सीबीआई पहुंची है और लालू यादव से लंबी पूछताछ हो रही है, जहां रोहिणी आचार्य ने साफ शब्दों में कह दिया, पापा मेरे बीमार हैं और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा, अगर मेरे पापा को कुछ होता है तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। यानी यूं कहिए, बीजेपी की कुर्सी दिल्ली में हिला देगी। रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। रोहिणी आचार्य ने जो शब्दों का प्रयोग किया, रोहिणी आचार्य ने साफ कहा कि पापा को परेशान किया जा रहा है, वह बीमार है, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार जो है पापा के पीछे पड़े हुए हैं, अगर उन्हें कुछ होती है तो दिल्ली की सरकार हिला देंगे। जमीन के बदले नौकरी का नाम है, यानी रेलवे में जमीन के बदले नौकरी दिया जा रहा था और लालू परिवार जमीन अपनी बेटी और अपने और पत्नी यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर है, जिसको लेकर सीबीआई में फाइल दर्ज होता है और उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है। पहले उनके सहयोगियों के यहाँ पिछली बार छापेमारी हुई थी, अब इसके बाद एक बार फिर से होली के रंग में रंगने वाले बिहार में जिस तरीके से राजद समर्थकों के लिए जो बुरी खबर आई थी कि राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंचती है और लंबी पूछताछ होती है और आज लालू यादव से सीबीआई पूछताछ कर रही है।